नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा से ठीक पहले पटना में तमाम जो हॉस्टल्स हैं वहां पर पुलिस की दबिश देखी जा रही है। लगातार तमाम हॉस्टलों के अंदर में पुलिस सघन जो छापेमारी वो कर रही है। वहां पर तमाम तरह की चीज़ों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि सूचना इस बात की थी कि सरस्वती पूजा के दौरान में जो आपसी जो रंजिश है हॉस्टल के अंदर में जो छात्र रहते हैं उनके बीच की, वो सड़क पर भी दिख सकती है। लिहाजा पुलिस ने इस बार एहतियातन कदम उठाए हैं और सरस्वती पूजा के ठीक पहले कुछ देर पहले आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो छापेमारी वो चल रही है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम स्क्वाड की टीमें भी मौजूद हैं। लगातार पटना के मिंटो, इकबाल, सैदपुर जो हॉस्टल से वहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर लगातार जो है वो रेड की जा रही है। सबसे खास बात है कि हर साल सरस्वती पूजा के दौरान में गुटबाजी देखने को मिलती है, खास करके जो पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जो हॉस्टल में सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं उनके बीच में। ऐसे में इस बार एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पूरी तरीके से कोरोना काल में डीजे बजाने पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ विसर्जन को लेकर के भी तय रूट जो हैं वो बता दिए गए हैं। तमाम जो पूजा समितियों से जुड़े हुए लोग हैं और उनको ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इस रूट के अलावा कोई भी जुलूस या प्रोसेशन जो वह नहीं निकलेगा, सीधे जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं वहाँ पर ही लोगों को लेके पहुँचना है। क्या कुछ नज़ारा है, किस तरीके से छापेमारी चल रही है पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न हॉस्टलों के अंदर में, छोड़ जाते हैं आपको। इधर से निकल जाएगा उसमें कितना छप। Thank you.